तो गाइस आज के मैं बात करने वाला कि जैसा आपका मोनेटाइज हो जाता है YouTube चैनल, तो उसके बाद कौन से ऑप्शन आपके पास अनेबल हो जाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है, जैसे कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मोनेटाइजेशन के बाद कौन से ऑप्शन अनेबल होते हैं। अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, कभी ना कभी आपके 1000 सब्सक्राइबर वॉच टाइम आपका कंप्लीट होगा और आपका चैनल रिव्यू में जाके वहां पे अप्रूव होगा, तो आपके भी चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद कौन से ऑप्शन अनेबल होते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है आप सभी यूट्यूबर्स के लिए। तो गाइस वीडियो में बने रहिए और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपको इस चैनल पे टेक रिलेटेड नॉलेज हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका अनेबल होता है मोनेटाइजेशन वीडियो का। जैसे कि आपको पता होगा, अगर जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपके चैनल पे एड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गूगल एडसेंस ओपन हो जाता है, मतलब आप अपने चैनल पे एड्स रन कर सकते हो। ये आप नहीं, यूट्यूब खुद ही रन करता है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की सुपर चैट ऑन हो जाता है। सुपर चैट आपको नहीं पता होगा, सुपर चैट मैं बता दूं कि सुपर चैट ये है, जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो वहां पे आपके कमेंट्स में कोई आपको सुपर चैट देता है, पैसे पे करता है ताकि उसका जो नेम है वो हाईलाइटेड हो। अगर बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग में लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बट मैं अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं सबके रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो पर्टिकुलर कोई एक यूजर मुझे 10,000 5,000 2,000 ₹100 का एक सुपर चैट देगा, जिससे उसका नेम पर हाईलाइट होगा, उसका कमेंट हाईलाइट होगा कलर में, तो उसके थ्रू मैं उसका कमेंट रीड कर सकता हूँ और उसको आंसर कर सकता हूँ। तो सुपर चैट के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। और थर्ड चीज है मेंबरशिप। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पे देखा होगा सब्सक्राइब बटन के बाजू में ऑप्शन आता है ज्वाइन नाउ का, ज्वाइन एक बटन होती है, तो ज्वाइन नाउ बटन भी आपके मोनेटाइजेशन के बाद अनेबल होती है। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अगर आपके ज्वाइन नाउ पे कोई मेंबरशिप लेता है तो उसके थ्रू आप अपने जो भी मेंबर्स रहेंगे उनको आप लाइव स्ट्रीमिंग दे सकते हो, वहां पे उनका चैनल का प्रमोशन कर सकते हो, उनको प्राइवेट वीडियोस दे सकते हो, उनके साथ अपने वीडियोस शेयर कर सकते हो जो कि बाकी मेंबर्स के लिए नहीं रहेंगे। सिर्फ जो मेंबरशिप लेंगे आपकी बटन पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, पैसे पे करेंगे, उसके बाद ही आप उनको सर्विस दे सकते हो। जस्ट लाइक कि कोर्स, अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज किया वहां पे आपको सारे फैसिलिटी मिलती है, अगर किसी ने नहीं परचेस किया तो उनको नहीं मिलती, जिन्होंने परचेस किया मेंबरशिप तो उनको बेनिफिट मिलते हैं। तो सेम टाइप के आप यहां से भी अर्निंग कर सकते हो। मेंबरशिप, एड्स और सुपर चैट, तीनों से आप अर्निंग कर सकते हो आफ्टर मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन के बाद आपके तीन ऑप्शंस अनेबल हो जाते हैं। फर्स्ट, आप सारे वीडियोस पे गूगल एडसेंस लगा सकते हो, मतलब एड्स लगा सकते हो। सेकेंड, आपके इस पे सुपर चैट ऑन हो जाएगा, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो उसमें आप सुपर चैट ले सकते हो। और तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंबरशिप, आप अपने यूजर्स को, आप अपने सारे ऑडियंस को मेंबरशिप दे सकते हो ताकि वो मेंबरशिप परचेज करके आपके साथ जुड़े रहे, आपके साथ कनेक्टेड रहे। तो मेंबरशिप भी बहुत जरूरी है हर एक यूजर के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो अपनी ऑडियंस से। तो ऐसे तीन ऑप्शन आपके पास अनेबल हो जाते हैं आफ्टर मोनेटाइजेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक जगह से नहीं, आप तीनों जगह से अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब पे। तो गाइज आई होप आपको ये नॉलेज मिल चुका होगा कि अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, या अगर आप यूट्यूबर बन रहे हो, अगर आपके कम सब्सक्राइबर है और अभी आप धीरे धीरे आगे आ रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या क्या आपको अनेबल होता है। तो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको सारा नॉलेज मिल चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। गाइस थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।